हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 वोल्ट के बारे में कि 1 वोल्ट क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 वोल्ट होता क्या है। 1 वोल्ट, तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ये फॉर्मूला था, वर्क डन बाई चार्ज पर यूनिट। इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। यस, 1 वोल्ट। तो क्या लिखने वाले हम लोग, द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखेंगे। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे तो आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और यदि कहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज कर सकते हैं। आइए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी वन वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट मीन्स क्या हुआ, 1 जूल वर्क यदि एनर्जी खर्च होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, तो वो कितना काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 जूल। यस, 1 जूल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसको कहेंगे 1 वोल्ट।